नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को अहम घोषणा करते हुए 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर रोक लगाने की घोषणा की है। उनके मुताबिक रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत के तहत आगे बढ़ेगा। वहीं राजनाथ सिंह की इस घोषणा पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध की जो घोषणा की है वो सिर्फ शब्द जाल है। चिदम्बरम ने कहा कि रक्षा मंत्री ने रविवार सुबह धमाकेदार घोषणा की बात कही और उनका ऐलान फुसफुसाहट के साथ खत्म हो गया। पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, किसी भी आयात पर रोक वास्तव में खुद पर रोक है। रक्षा मंत्री ने अपने ऐतिहासिक रविवार की घोषणा में जो कहा वो महज कार्यालयीन आदेश के लायक था, जिसे मंत्री के सचिव जारी करते। आयात पर रोक महज शब्द जाल है। पी चिदम्बरम ने आगे लिखा कि इसका मतलब है कि हम 2 से 4 साल में एक ही उपकरण बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आयात बंद कर देंगे। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को घोषणा की कि आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत देश में रक्षा उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगाई जाएगी। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत पहल को आगे बढ़ाने के लिए अब बड़े कदम उठाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में रक्षा संबंधी निर्माण बढ़ाने के लिए 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगाएगी और इस फैसले से भारतीय रक्षा उद्योग को बड़े अवसर मिलेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।